सारा खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास। मेरा नाम ब्रजभूषण कार्तिकेय है, मैं सत्यम कॉन्वेंट स्कूल हतीम का एमडी हूँ, डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा। सर, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार देना चाहेंगे? मेरा मानना है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हम सबको पहले अवेयर होना पड़ेगा, जिसमें हमारे स्टाफ टीचर्स को और पेरेंट्स को और साथ में हमारे समाज को भी अवेयरनेस दिखानी होगी, ताकि हम अपने शिक्षा के स्तर को सुधार सकें। नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? देखिए, इसमें तो अभिभावक और पेरेंट्स का और जो है टीचर्स का मैं बोलूँगा, शिक्षक का मेन जो जिम्मेदार है, शिक्षक और पेरेंट्स हैं इसके जिम्मेदार, क्योंकि शिक्षक और पेरेंट्स से एक हमारा समाज का निर्माण होता है। जब हमारे शिक्षक और पेरेंट्स मजबूत होंगे तो एक अच्छा जो है हम समाज बना सकते हैं। यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? देखिए, वैसे तो यौन शिक्षा पहले से ही चालू हो चुकी है और एट नाइन्थ के बाद जो है यौन शिक्षा को एक सब्जेक्ट तौर पर पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है, और वो जरूरी भी है और वो सही है। आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। जी, आपका आप खुद एक प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, कहां तक इस बात से सहमत? मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और आजकल जो हम देख रहे हैं वो सब चल रहा है और हमारी नॉलेज में भी है, ऐसा होता है, लेकिन सबको हम एक ही डंडे से नहीं हांक सकते, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो रियल में सोशल वर्क कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों के लिए जरूर बोल सकते हैं जो एजुकेशन के नाम पे एक धंधा कर रहे हैं, जो बच्चों को एजुकेशन के नाम पे जो है पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सब गलत है। लेकिन सभी स्कूल इस तरह से नहीं होते, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं। अब मैं आपको अपने स्कूल के बारे में ही बताता हूँ। हमारे स्कूल में जो है एक तो लिमिटेड बच्चे हैं, 200 अप्रॉक्स हमारे स्कूल में बच्चे हैं और हमारी फीस बिल्कुल नॉर्मल फीस है। जितनी हम फीस लेते हैं आप उससे ज़्यादा हम बच्चों पे खर्च करते हैं, बच्चों को सुविधाएं देते हैं, टीचर्स को अच्छी सैलरी देते हैं, मतलब जो हम अमाउंट हम बच्चों से लेते हैं उससे ज़्यादा हम बच्चों को दे देते हैं। छात्र जीवन और छात्र की दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर आपको संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहेंगे। छात्रों को सबसे पहले छात्र जो है ना, पेरेंट्स ज़्यादा अध्यापक की बात मानता है और अध्यापक का फर्ज बनता है कि बच्चों को एक अच्छे तरीके से मोटिवेट करे, ताकि उसकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल सही और सुचारू रूप से चले। जैसे कि बच्चों को एक्सरसाइजेस के बारे में, व्यायाम के बारे में बताना चाहिए, बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि बच्चों किस तरह से जो है हमें अपने स्वास्थ्य पर पूरा फोकस करना चाहिए। सब टीचर्स का, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए।